पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की रविवार को गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड के बाद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पंजाब में कोई भी सुरक्षित नहीं। उन्होंने कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई और अपराधियों को अब कानून का डर नहीं। गायक की हत्या की घटना को चौंकाने वाला बताते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि पंजाब सरकार कुछ ही महीनों में राज्य में पूरी तरह से फेल हो गई और लोग सुरक्षित नहीं है। पूर्व सीएम ने ट्वीट करते हुए कहा कि सिद्धू मूसेवाला की निर्मम हत्या बेहद चौंकाने वाली है। शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना। पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। अपराधियों को कानून का कोई डर नहीं। पंजाब सरकार बुरी तरह से विफल हो रही है। पंजाब में कोई भी सुरक्षित नहीं है। गौरतलब है कि पंजाब के अंदरूनी कलह के बीच अमरिंदर सिंह को पिछले साल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। बाद में पूर्व सीएम ने पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया और बाद में पंजाब लोक कांग्रेस नाम की खुद का संगठन बना लिया था। विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने भाजपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई। दरअसल पंजाबी गायक मूसेवाला की उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी जब वो अपने दोस्त से मिलने गांव जा रहे थे। यह हत्याकांड ऐसे समय पर हुआ जब वो एक दिन पहले ही गायक की सुरक्षा कम कर दी गई थी। मूसेवाला की सुरक्षा में पहले 4 सशस्त्र सुरक्षाकर्मी थे, लेकिन अब उनके पास सिर्फ 2 ही सुरक्षाकर्मी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि गायक मूसेवाला पर जब हमला हुआ वो अपनी SUV कार में मौजूद थे। गंभीर हालात में उन्हें मानसा के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, DPK न्यूज़।